पब्लिक टीवी आपकी आवाज। ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन द्वारा महिला दिवस के अवसर पर एक महिला गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बबीता खंड शिक्षा अधिकारी व संचालन भावना सिंह सचिन ने किया। मुख्य वक्ता रितु दीक्षित, सचिव दिल्ली राज्य कमेटी रही। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि देश की महिला देश की 50% शक्ति है, उन्हें उतना ही मान सम्मान मिलना चाहिए जितना कि बाकी 50% महिलाओं को मिलता है। अध्यक्षता कर रही बबीता ने कहा कि सभी महिलाओं ने अपनी जिंदगी में चुनौतियों को देखा है और सभी ने उन चुनौतियों को समाधान में बदल दिया। इसके लिए सभी महिलाएं बधाई की पात्र हैं। इस अवसर पर अलीशा, पुष्पा, सुमन, अमरवती, आशा, कविता, कुलविंदर, सुनीता, सुरभि महिलाएं आदि भारी संख्या में उपस्थित रहीं। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। उस अवसर पर हमारे संगठन द्वारा ऑल इंडिया महिला आज 9 तारीख को हमने अम्बेडकर पार्क में एक सभा का आयोजन किया है, जिसके अंतर्गत हम लोग यहाँ सब सम्मिलित हुए हैं। और इस अवसर पर एक इतनी खास बात है कि लगातार तमाम योजनाओं, तमाम दावों और तमाम तरह की बातें होने के बाद भी जो महिलाओं के साथ अत्याचार कम होने की बजाय लगातार बढ़ रहा है, उसके तरीके उसके रूप बदल रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या इसके पीछे कारण है? और दूसरी बात, एक महिला होने के नाते एक जो महिला संगठन है उसका वाकई में क्या एक दायित्व होना चाहिए, उसको समझने उस पर बात रखने के लिए हम लोगों ने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया।